मिंटू जी, पंजाब के कई जिलों के बड़े भयानक हड़ आए ने, कई पासे जिहड़े फ्लड गेट सीगे दरियावां दे ओह खोलने पै गए, ते हिमाचल की पंजाब के कई इलाके इस वेले जल थल हो गया होया, आम जिंदगी बहुत बुरी तरह प्रभावित हुई है, की अपडेट है जी हुण? बिल्कुल जिदा कह लिए ना कि बैठे बिठाया तो गल साढ़े नाल ओह हो रही है कि मोए नूं मारे शाह मदार, जिहड़े पहलां ही कई किस्म के संकटां नाल जूझ रहे आ उहनां ते एक कुदरती बिपता आ पई आ। देखो वीकेंड शुरू होने तक कुछ भी नहीं सीगा, मीह शुरू होया, मीह हटिया ही नहीं, खास तौर पर पुआध वाले एरिए दे विच मीह हटिया ही नहीं है, दो तीन दिन लगातार मीह पैंदा रहा, ते मीह कल्ला इत्थे नहीं सी, मीह असल दे विच हिमाचल च भी पै रहा सीगा, पहाड़ा ते भी बहुत ज्यादा पै रहा सीगा। अजिहा इस करके वापर दसदे आ कि उधरों एक वैस्टर्न डिस्टरबेंस ते दूसरे पासों मानसून इन्हां दी आपस दे विच टक्कर होई है, जिहड़े वैदर नूं देखदे आ माहर ने जिहड़े लोग ओह इही दस रहे आ कि मानसून इन्ना ताकतवर नहीं सी, पर इस टक्कर ने इस इलाके दे विच कह लो कि बहुत ज्यादा बारिश करवा दी। फिर उस तो बाद होया कि सारे नाले चढ़ गए, दरिया चढ़ गए, फिर पहली बारी वेखन नूं इह मिल रहा है कि इस बारी देहाती ही नहीं, पेंडू एरिया ही नहीं, शहर भी जिहड़े मार हेठ आ गए। तो अज की तारीख दे विच हुण जो सूरत हाल है, जे आपां लेटेस्ट कुछ अपडेट्स लईए, वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी गलबात इहदे ते कीती जा सकती है क्योंकि बहुत सारी इनफॉर्मेशन है, पर मोटे तौर पर जे आपां शाम तक लाइए तो तीन मौतां हो गई, यानी हड़ जानलेवा भी बन रहे हैं, दो नवांशहर इलाके च अते एक बोगा इलाके च तीन मौतां भी हो गई। फिर देर शाम यह खबर आ गई कि आर्मी ने कुछ थावां ते आके मोर्चा संभाल लिया। जलंधर दे विच दसदे कि सतलुज दरिया दे विच भी दरार आ गई है, उत्थे भी खतरा पैदा हो गया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि दरिया चढ़ रहे हैं ना, अज की रात तो वैसे ही कहर की रात है, जे अज होर मीह पै गया जां पिछे डैमां च पानी बहुत ज्यादा वध गया, उत्थे गेट खोलने पै गए तो समस्या होर वड्डी होएगी, समस्या होर वधेगी। तो इस तो इलावा जे आप देखिए इस वेले शहरी वसों जी है वह दूरी विपता च है, क्योंकि कई इलाकों के ब्लैकआउट हो गया, बिजली चले गए, इतों तक कि एस वाई एल पाड़ पिया, तो राजपुरा के इलाके दे विच सारा पानी भर गया, तो जोड़ा उत्थे थर्मल से थर्मल भी डुबण वाला होया पिया, थर्मल च भी पानी चले गया, यानी बहुत ही बुरी हालत है इस वेले। मैं हुणे देख रहा है लुधियाना तो जिहड़ा उत्थे काम कर रहा है उन्हां दा सिस्टम, तो उहदे विच की उन्होंने प्रशासन ने की किया है, प्रशासन कहिंदा है कि जिन्नियां डाइंग यूनिट ने सारियां बंद कर दो, क्योंकि पानी का पद्धर इन्ना है कि पानी जिहड़ा है वह गांह जाएगा नहीं, ओवरफ्लो होएगा, नीवे इलाकों से जाएगा, यह रसायण वाला पानी लोगों को सगों मारेगा, यानी लुधियाने च भी खतरा, पटियाला, फतेहगढ़ साहब, रोपड़, श्री आनंदपुर साहिब, मोहाली, ये तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं ना, ये इलाके तो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तो खैर अज जे ये देखिए तो एक तरह नाल कह लो कि जिवें बैठे बिठाया बिपता सिर ते आ पई, फिर लोगों को पता ही नहीं लगा कि की हो गया, सरकार भी जिहड़ी अवेसली सीगी, हालांकि मुख्यमंत्री मैदान च उतरे आ, विधायक उतरे आ, पर वह हुण जिद्दां कह लिए कि खड़े पैर हुण सारा कुछ नहीं किया जा सकता, हुण तां इहो ही उम्मीद है कि मीह रुकण, उत्ते मीह घट पैन, पर समस्या यह है कि साढ़े भी इत्थे कुछ इलाकों च रैड अलर्ट है, तो उधर राजस्थान सॉरी हिमाचल च भी रैड अलर्ट है, उत्थे भी लाहौल स्पीति नूं छड्ड के जां किन्नौर नूं छड्ड के ज्यादातर जिलों के उत्थे भी रैड अलर्ट है, मतलब कि मीह दा इमकान है, जिन्ना ज्यादा उत्थे मीह पएगा समस्या जिहड़ी हेठां आउणी आउणी है। इस करके इस खिते दे विच इस वेले कह लो कि ऐसी एक बिपता टुट पई है जिहदे च शहरी वसों झुग्गियां झोपड़ियां वाले वह भी बेचारे बेघर हो गए, फिर इतों इलावा खेती डुब रही है, झोना अजे लगा ही सीगा, वह सारा झोना तो हुण पानी दे थले है, वह बचेगा कि नहीं बचेगा, फिर खड़े पैर मान लो सरकार जिहड़ी है मुआवजा दिंदी है कि नहीं दिंदी, यह भी एक सवाल रहेगा, क्योंकि लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी जी, पनीरी कित्थों आएगी, तो मतलब साढ़े लई समस्या ही समस्या है, चाहे हुण लोकां नूं कढ़णा
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਰਕਬਾ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਕਰੀਬਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਝੋਨਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਣਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਚ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਪਈ ਆ। ਉਧਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮਿੰਟੋ ਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਵਾਟਰ ਬੋਰਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦਰੁਸਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦਵਾਈ ਦੱਪੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗੇਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕੇ, ਅਗੇਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਅਗੇਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਫਸੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤ ਫੱਟ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਵਿਧਾਇਕ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਸੈਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ, ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਛ ਪੱਤੇ ਜੇ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਬੋਕਰ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਫੋਟੋ ਕਰਾ ਕੇ ਗਾਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੋਡ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਆਈਲੈਸ ਸੈਂਟਰ। ਵੈਸੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਆਈਲੈਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਸਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆਈਲੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲਿਓਰ ਝੱਲੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਆਈਲੈਸ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੱਬ ਰੱਖਾ। ਤਾਂ ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 2 ਦਰਜਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1100 ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਜਰਾਤੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਨੈਕਸਸ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਭਰਮ ਜਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਏ ਸੁਪਨੇ, ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਸੈੱਟ ਬੈੱਟ ਕੰਮ। ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਲੂਟੂਥ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕੈਮਰੇ ਵਗੈਰਾ ਔਨਲਾਈਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 90-95 ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਦਵਾਏ ਆ, 90-95% ਵਾਲੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੋਫਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਈਲੈਸ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ GRM ਕੁਛ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਰਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ GRE ਸ਼ਾਇਦ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਗਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਟਿਕਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਟਿਕਾਣੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭਾਂਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ FBI ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਏ। ਗਿਣਤੀ 1100 ਵਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਨਗਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਭਾਸਕਰ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਅੱਜ
बड़ी वड्डी रिपोर्ट है उन्हां दी, तां उन्हां ने कहा कि बई हुण इस पोजिशन च ने स्टूडेंट, वह कहिंदे कि पिछा मुड़ांगे किहड़े मूंह नाल, मुड़ांगे ते कुछ इहो जिहे आ जिहड़े कहिंदे कि असीं कर सकदे सी, असीं इहनां दे आखे लग के असीं आप ही कर सकदे सी सारा कुछ। अच्छा एक नंबर दे विच, पर इन्हां ने सानू इन्ना मिसगाइड किया कि असीं इहनां दे पिछे लग गए उस ग्रोह दे। ते अज सूरत हाल यह है कि एफ बी आई की टीम जिहड़ी आ उह छेती कहिंदे आ कि गुजरात, वह जिवें मशहूरी चलदी हुंदी सी ना कुछ दिन तो आओ हमारे गुजरात में, तो कहिंदे कि कोई गल नहीं कुछ दिन असीं बिता के जाने हुण तुहाडे गुजरात च। ते मिंटू जी, सरकार ते राजपाल विचकार जिहड़ी सहमत दी खेड है वह जारी है। अज मेरे ख्याल दिल्ली की सरकार वालों इस संदर्भ में एक अदालत दे विच जो पटीशन की गई सी, सुनवाई भी सी जी? देखो वो तो उन्होंने ऑर्डिनेंस वाला मसला है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो ऑर्डिनेंस वाला है। इधर की होया कि वीसी वाला मसला सीगा जेड़ा तुहानू याद होएगा कि राजपाल बनवारी लाल पुरोहित जी जेड़े आ इन्होंने डॉक्टर जी एस वांडर का नाम जो गया सीगा वीसी के तौर पर इन्होंने रोक दिता सीगा, हुण इन्होंने बचालड़ा रस्ता कढ़ लिया। इन्होंने मैडिकल यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट बोर्ड बना के उत्ते चेयरमैन लाता, कहते लो जी आ जाओ, मतलब कि एक दूजे नूं कट्टिया जा रहा है जी। जिहड़ी वह चाल चलते हैं तो फिर दूसरी कोई काटवी चाल जिहड़ी है वह सरकार भी चल दिंदी है। तो इन्होंने तीन मैंबरी पैनल घलाया सीगा, वैसे वह वीसी साहब की नियुक्ति ते ऑलरेडी अगे विवाद जिहड़ा है ना भख चुकिया वा, ते तकनीकी यूनिवर्सिटी वाला मसला सी जिहड़ा। ते इधर इधर की सीगा, इधर इन्होंने रोक दिता सीगा कि भाई कल्ली नियुक्ति नहीं है, इत्थे तां पैनल भेजना पैना तुहानू। ते इन्होंने वीसी की नियुक्ति करवा ली। तो इस तो इलावा जिहड़े डॉक्टर जी एस वांडर सीगे, तो जी एस वांडर हुण चेयरमैन ला दिते आ। हुण तुसीं देखो ना कोई भी मामला, कोई सिंडीकेट किते गवर्नेंस इस तरह की होंदी है किसी भी यूनिवर्सिटी दे विच, किसी भी थां ते किसी भी विद्यक अदारे च, तो मैनेजमेंट बोर्ड का जिहड़ा चेयरमैन है हुण करना तो सारा कुछ उन्होंने, मतलब कि उन्होंने एक रस्ता कढ़ लिया। वैसे रस्ता तो इन्होंने जबरदस्त कढ़ रखिया, वो तुहानू पता ही है, वो ले आए सी वीसी वाला बिल ही ले आए सीगे राजपाल नूं असीं पासे हटा देना, ते चांसलर जिहड़े साडियां यूनिवर्सिटियां दे होणगे मुख्यमंत्री साहब। हालांकि वो बिल जिहड़ा विच विचाले ही आ उहदा की बनेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, पर आ इन्हां ने नहले ते दहले वाला काम जिहड़ा उह शुरू कीता होया है। ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਯੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀ ਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਚਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ समा सीगा प्रोफेसर राजकुमार जी का, तो उहदे विच बहुत यह विवाद उठे सन। उन्होंने तो वैसे ही टसल चलती रही इलैक्शन नू लैके, कदे कासे नू लैके। तो उस समय के दौरान दसते हैं कि कुछ कांड होए ने उत्थे, पर वह पहला जांच पड़ताल जिहड़ी सीगी वह नहीं सी शुरू हो रही। तो हुण जिहड़े साबका हैगे ने भी सी उन्हां नूं शामिल हो सकता होना पै सकता है जांच पड़ताल दे विच, क्योंकि फाइल तुर पई है। ते इहदे विच की है तुहानूं पता ही है कि जिहड़ी हुण पंजाब यूनिवर्सिटी आ उहदे विच प्रशासकी तौर ते आपां देखदे हां अगे भी बहुत खिचतू आ। ते इह जांच पड़ताल वास्ते भी खिचतू सीगी, कुछ लोग चाहुंदे सीगे कि कम ठप्पिया रहे, कुछ लोग चाहुंदे सी कि जांच पड़ताल जिहड़ी आ होनी चाहीदी आ। ते इह इक वड्डी खबर आ कि इस मामले दे विच हुण फाइल तुर गई दसदे आ, ते देखो हुण किहदा किहदा नंबर लगदा। पर इह बड़ी बदकिस्मती वाली गल आ, ए पी यू हो वे ते चाहे दूजी पी यू हो वे जी, पटियाला यूनिवर्सिटी पंजाबी यूनिवर्सिटी उत्थे भी रौला यही पैंदा है ना। जी जिहड़े हैगे ने साडे चीमा साहब खजाना मंत्री, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड किया सीगा कि इत्थे भई बेनीमियां भी बेहिसाबियां होईयां ने, तो उन्हां नूं भी ठीक करन दी जरूरत है। तो यूनिवर्सिटियां दे विच जदों इस तरह सारा कुछ होवे तो फिर तुसीं कह सकते हो कि बदकिस्मती वाली गल है। तो पर चंगी गल यह कि हुण फाइल अगे तुरी आ, तो उहदा कोई ना कोई सिट्टा निकलेगा। तो जिन्हां ने वो आंदे हुंदे ने जिन्हां खादियां गाजरां ढेड उहनां दे पेड़, हो सकदा हुण ढिड च सूल होवे उहनां दे। मिंटू जी, ये दस्सो वी पंजाब सरकार दी कारगुजारी तो जज भी दुखी आ गए, की आख्या जज ने? देखो एक ना फैसला लिखा रहे सीगे, क्योंकि इन्हां ने
स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे विच कुछ भर्तियां करनियां सीगियां, शायद डायरेक्टर वगैरह सहायक डायरेक्टर होंदे आ, ते इन्हां ने की कीता कि एक जदों विज्ञापन जारी हो गया, इश्तिहार जारी हो गया, उस तों बाद चार जिहड़े वो हैगे सीगे जिन्हां ने उस नौकरी वास्ते दावेदारी पेश कीती सी, कट ऑफ डेट तों बाद उन्हां नूं जिहड़ा तजर्बे का सर्टिफिकेट मामला सीगा उहदे विच उन्हां नूं एक मौका होर दिता गया जो कि गलत पाया गया। तो उस वेले जदों वह फैसला लिखा रहे सन पंजाब नारायण हाई कोर्ट के जज, तो जज साहब ने बड़ी टिप्पणी की, वह कहिंदे कि बड़ा दर्दनाक है यार कि तुहाडा यही हाल आ, क्या जो भी तुसी कर रहे हो, जो तुसी कानून नियम पालन करना होंदा वो तुसी करदे नहीं जे, तो सारा कुछ की है कि साडे कोल इत्थे आ जांदा ते असी रोज ये तुहाडे काम दे बोझ हेठां ही आके तड़फदे पए आ, वी तुसी काम ठीक नहीं करदे वो सारा कुछ जिहड़ा साडे कोल आ जांदा, ये तुहाडा काम मुकदा ही नहीं है इस तरह का जी। ते बहुत वड्डी टिप्पणी है जदों उन्होंने फैसला लिखाया तो उहदे विच ये चीज़ां दर्ज करवाईयां ने, तां सरकार नूं हुण वेखणा पऊगा इस तों वड्डी गल ते की कही जा सकदी है। क्या देखो हुण इन्हां ने यह जिहड़ा फैसला कीता सी इहनूं भी चैलेंज होया ते उह चैलेंज जिहड़ा जित्तिया भी गया, सरकार उत्थे गलत साबित हुई है। यह हरेक भर्ती का मसला है, कितने ना कितने कोई ना कोई बिगाड़ पैदा हो जाता, तो हुण तां जज साहब ने भी कह दिता कि भाई बख्शो बख्श दो, क्योंकि तुहाडा हरेक बिगाड़ फिर कोर्ट के विच आउंदा है ते जिथे समा जाया हुंदा है जी। ये पंजाब सरकार वास्ते बहुत वड्डी नसीहत है, इन्हां नूं इस नसीहत तो सीखना चाहिए, सीख के अमल करना चाहिए कि भाई असी जिहड़ा भी कुछ करना सोच समझ के तरीके नाल करिए, ते वो तरीकाकारी जिहड़ी होवे वो इस तरह की होवे कि सारा अमल नेपरे चढ़ जाए। ते मिंटू जी अज की खुशनुमा खबर की है जी? देखो खुशनुमा खबर तो जिस तरह का हड़ आया पिया है, वाकया अज ते मन पंजाब दा पंजाबियां दा सारयां दा कहो महसूसिया जिहा, सारे एक दूजे वल देख रहे हैं कि यार की बन गया है, पर फिर भी खुशनुमा खबर तो वो भी जरूरी है। तो वाराणसी दे विच एक रिजॉर्ट है, कहिंदे एक इस तरह की बनाई गई है हवेली, अजकल हवेली का भी बड़ा दौर चल रहा है ना, एक तो पुरातन दिख वाली है, तो कमाल की गल है कि उहदा सारा काम कर जिहड़ा है जिन्ना भी काम कर रहा वह सारा ही बेटियां दिखदियां, मतलब कि कुड़ियां दिखदियां। यह सारा इस तरह का बनाया कि लोग दूरों दूरों आते हैं, पर सब तो वड्डी गल है कि मैनेजमेंट तो लैके सर्व करन तक सारा जिम्मा है जिहड़ा वह उत्थे कुड़ियां नूं आउंदियां ने जी। कुड़ियां बई अज कह लो कि कुड़ियां का जमाना है जी,